हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं बनारस का टॉप एजुकेशनल चैनल स्काई गुरुकुल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बनारस के टॉप बीबीए और बीबीएम कॉलेजेस के बारे में। ठीक है, बात करें बीबीए कोर्स की। सबसे पहले थोड़ा इंट्रो की, तो जो बीबीए कोर्स होता है दोस्तों, वो 3 ईयर का डिग्री प्रोग्राम होता है। ठीक है, जो कि एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। ठीक है, बनारस में बहुत सारे कॉलेजेस चल रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, बीबीए कोर्स को लेकर के और मैनेजमेंट के काफ़ी सारे कोर्सेज को लेकर के, जैसे बीबीए हो गया, आपका एमबीए हो गया, बीबीएम हो गया, बीबीएस हो गया, और बहुत सारे अलग अलग आपके मैनेजमेंट के कोर्सेज को लेकर के बहुत सारे कॉलेजेस चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं कॉलेजेस के बारे में, वो जो बनारस के टॉप कॉलेजेस हैं, जो कि इसमें बोल सकते हो कि जो टॉप में चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उनकी बात करने वाले हैं, उनकी फीस स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, प्लेसमेंट की बात करने वाले हैं कि प्लेसमेंट आपको वहाँ पे कैसा मिलने वाला है। और अगर आप चाहते हो किसी एक ही पर्टिकुलर कॉलेज का प्रॉपर रिव्यू, तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका हम उस कॉलेज का हम प्रॉपर रिव्यू बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव बनारस से रिलेटेड, वाराणसी से रिलेटेड एजुकेशनल न्यूज़ के लिए, एजुकेशनल कंटेंट के लिए चलते हैं सबसे पहले कॉलेज की तरफ और देखते हैं। सबसे पहला कॉलेज जो आता है हमारे लिस्ट में, वो आता है एस एम एस कॉलेज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ठीक है, मैनेजमेंट साइंस आई थिंक जो भी होता है उसका फुल फॉर्म, इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, बात करें बीबीए कोर्स के फीस की यहाँ पे एसएमएस कॉलेज में, तो जो बीबीए कोर्स का फीस है दोस्तों आप लोगों के लिए, वो है 65,000 पहले ईयर का। ध्यान दीजिएगा, ये लोग जो कोर्स बता फीस बताते हैं ना, वो बस पहले ईयर का दिखा देंगे और छोटा सा लिख देंगे फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का कोर्स जो फीस है वो 65,000 है। मतलब कि अगर बात करें पर सेमेस्टर जो आपका पढ़ने वाला, वो है 32,500 रुपये पर सेमेस्टर आपको फीस पड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बीबीए कोर्स का। बात करें कोर्स लेवल, तो डिग्री कोर्स आप भी जानते हो 3 ईयर का डिग्री कोर्स है। ठीक है, फुल टाइम कोर्स है। कोर्स का प्लेसमेंट की बात करें तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट देते हैं, मतलब इनके कैंपस से ही आपको प्लेसमेंट मैक्सिमम मिल जाता है। और इस कॉलेज का प्लेसमेंट रेशियो काफ़ी अच्छा है, मेरे भी कुछ दोस्त पढ़ रहे हैं वहाँ पे, कुछ फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रेशियो देखने को मिलता है वहाँ पे। ठीक है, प्लेसमेंट हो जाता है, बट हाँ, बहुत ज़्यादा हायर प्लेसमेंट की आप एक्सपेक्टेशन इस कॉलेज से नहीं कर सकते। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनसे कि आप हायर एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, बहुत बड़ा पैकेज लग जाए। हाँ, लेकिन नॉर्मली आपका पैकेज अच्छा वाला लग जाता है। ठीक है, अगर आपके पास अच्छी नॉलेज हुई, स्किल्स हुई, तो बात करें फुल टाइम कोर्स है। ठीक है, तो ये था पूरा एसएमएस कॉलेज का। नेक्स्ट नंबर पे जो कॉलेज आता है वो है राजेश्वरी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जिसका कि हमने पिछली वीडियोज में भी नाम सुना है। बीटेक हो गया, बीएससी हो गया, बीसीए वाले में भी नाम सुना था और पॉलिटेक्निक में भी नाम सुना था। तो ये जो राजेश्वरी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, ये भी आपका सेम, मतलब आपका जैसे ये कोर्स कराता है, ये भी बीबीए कोर्स कराता है। यहाँ पे जो आपको फीस देखने को मिलेगी, वो मिलेगी 99,600 रुपये, मतलब 1,00,000 रुपये आई थिंक टोटल फीस है ये। ठीक है, टोटल फीस ये है 1,00,000 रुपये आपका बीबीए कोर्स का राजेश्वरी कॉलेज में, राजेश्वरी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। घबराने की दिक्कत नहीं, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जो है हमारे वेबसाइट मिल जाएगा www.skygurukul.com, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर चेकआउट आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जो तीसरे नंबर पे कॉलेज आता है वो आता है आपका राज स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज, जो कि टोटल फीस अगर हम बात करें तो आपका 75,000 है। नहीं, फर्स्ट ईयर का 75,000 है, आई थिंक 1,000 पर सेमेस्टर का फीस है। ठीक है, 25,000 पर सेमेस्टर का फीस है, तो आई थिंक टोटल फीस आपका थोड़ा ज़्यादा ही होगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना। चौथे नंबर पे जो कॉलेज आता है वो आता है KIT, काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका कि आप लोगों ने नाम सुना है। इस समय ये काफ़ी अच्छा कॉलेज चल रहा है, प्लेसमेंट भी यहाँ से ठीक ठाक निकल रहा है, मतलब एक एवरेज प्लेसमेंट आपको अच्छा वाला यहाँ से ऑफ कैंपस प्लेसमेंट मिल जाता है। अगर आपके पास और ज़्यादा स्किल्स हैं तो आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी ले सकते हैं आफ्टर ऑफ कैंपस। ठीक है, पहले एक प्लेसमेंट ले लो, वहाँ से एक्सपीरियंस लेकर के आप दूसरी कंपनी में भी आपका क्या है अप्लाई करके अपना प्लेसमेंट हायर कर सकते हो। ठीक है, जो पांचवें नंबर पे आता है वो सीएड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, जैसा कि सीएड कॉलेज का नाम आपने सुना है, तो सीएड कॉलेज भी एक अच्छा कॉलेज है और यहाँ का फीस काफ़ी कम मुझे लगा। हाँ, केआईटी की फीस की बात कर लें तो दोस्तों, केआईटी का फीस जो है वो है 50,000 रुपये पर ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर का 50,000 रुपये, तो टोटल फीस आपका 1,50,000 रुपये है। ठीक है, सीएड की बात करें तो सीएड का जो टोटल फीस है वो 60,000 बताया इन्होंने। अब रियलिटी क्या है ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, जो इन्होंने डिनोट किया है वो टोटल फीस 60,000 आपका दिखा है। ठीक है, छठवें नंबर में जो आता है वो आता है सेफा, जिसको कि हम दूसरे नाम से जानते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ICST। ठीक है, जिसका कि अगर हम बात करें टोटल फीस की, तो यार सबसे ज़्यादा टोटल फीस जो मुझे लगा ना फीस, वो सेफा का ही लगा, क्योंकि यहाँ पे आपका पर ईयर का जो फीस है इनका 60,000 पर ईयर का फीस ये दे रहे हैं, और टोटल फीस मान के करते हैं तो 1,80,000 आएगा, वो आप मान लो कि 2,00,000 ही बैठ जाएगा आपका।
ठीक है। जो लास्ट कॉलेज आता है आपका, वो आपका आता है माइक्रोटेक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। ये भी कॉलेज ठीक ही ठाक है, बट प्लेसमेंट की एक्सपेक्टेशन आप कर भी सकते हो ना भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आप ट्राई करना, ऑफ कैंपस के लिए अच्छा प्लेसमेंट लग जाएगा। टोटल फीस की बात करें तो 36,000 पर ईयर का है, तो 36,000 के हिसाब से आप 3 साल का कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और भी कॉलेजेज हैं, जैसे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, तो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में आता है, इसलिए इसमें हमने कवर नहीं किया उसको। अगर आप चाहते हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को भी हम कवर करें तो कमेंट में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे ला देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये थे बनारस के टॉप बीबीए और बीबीएम कॉलेजेस, जिससे कि आप अच्छी खासी प्लेसमेंट ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से पढ़ाई करके आपको एक अच्छा फ्यूचर और एक अच्छा बोल सकते हो कि डिग्री के साथ साथ एक अच्छा नॉलेज भी मिल सकता है, ठीक है। आशा करूँगा कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के लिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा।